कैसे करता रजनीकांत क्या ब्लॉगर बनेगा रे तू यूडी। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। सो आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। एंड मैं करेंटली हूँ थाईलैंड के एक छोटे से विलेज में, जो कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा विलेज है यार। सीरियसली मौसम भी काफ़ी अच्छा है अभी फिलहाल, काइंड ऑफ दे है फुटबॉल फील्ड, बच्चे लोग खेल रहे थे वहाँ पे। और बाकी थाईलैंड तो यार कभी भी घूम सकते हो, लेकिन ठंडी में आओगे थोड़ा बहुत बारिश के बाद वगैरह, वो सीज़न थोड़ा सही रहता है, क्योंकि वैसे तो बहुत 12 महीने पूरा गर्म 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 गर्मी, ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा हाई है यहाँ पे। सीरियसली गर्मी पूरा जो एनर्जी पूरी ड्रेन कर देती है यार। ये क्या है, ये गोभी है आई थिंक, यस गोभी कैबेज, वाह सो फ्रेश एयर। जगह यार एक क्विक टूर दे देता हूँ मैं, मतलब किसी नेचर लवर पर्सन के लिए तो ये प्लेस चुम्मा है, चुम्मेश्वरी है, लवली प्लेस। सब लवर वॉट छोटा सा पॉन्ड, ओ वाओ। पता है हम कितना भी बड़े शहर में रह लें, कितना भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर लें, बट जो रियल पीस है ना, जो रियल क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, वो एक छोटी जगह, छोटी प्लेस, गांव टाइप एरिया में ही समझ में आती है, छोटे से विलेज, कॉफ़ी शॉप पीछे। और जो एयर क्वालिटी है ना, इतनी प्योर, इतनी फ्रेश, इतनी अच्छी लग रही है ना सच्ची।
सारे अच्छे अच्छे गार्डन्स व्यूज वगैरह थे और यहाँ पे स्टोर्स वगैरह हैं, तो मैं दिखाता हूँ स्टोर्स में क्या है। बाकी ये फ्रेश वेजिटेबल्स, टमाटर, नींबू और जो भी है मतलब, बाकी ये देखो सॉफ्ट ड्रिंक जूसेस वगैरह जो भी, प्लस ये सबसे अच्छी चीज़ एवोकाडो पेस्ट फ्रूट, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी फ्रूट रहता है यार। उसका अभी शेक पिया थोड़ी देर पहले मैंने, शेक बहुत ही अच्छा था सीरियसली। और रेट भी यहाँ ठीक ठाक है, मतलब ओवरऑल 3 किलो फॉर 100 बात। करेंटली जो थाई बात का जो रेट चल रहा है वो अप्रॉक्स 1 थाई बात इजिकल्स टू 2.3 और 2.4 समथिंग रेट चल रहा है। सो अप डाउन होता रहता है डेली। सो जो भी है ये लोग यहाँ पे कुकिंग भी करते हैं, तो सब सही है, हम लोग का बनाते रहते हैं, बहुत सही। देखो एप्पल कलर अलग अलग, और सवरुट जिन लोगों को नहीं पता है, पैशन फ्रूट को थाई में सवरुट बोलते हैं। इसका सवरुट का शेक बहुत ही टेस्टी होता है, सवरुट पान। ओके, अगर थाईलैंड आओ तो बोलना सवरुट पान, पैशन फ्रूट शेक। और ये अलग अलग अलग। हाँ तो गाइस सीन ऐसा है, देखो अभी फ़िलहाल अपने पास करंटली ना गिम्बल है, ना कैमरा है, ना लेंसेज है, ना बहुत ज़्यादा कैमरा इक्विपमेंट्स वगैरह जो यूट्यूबर्स यूज़ करते हैं वो सब ज़्यादा अभी है नहीं। तो वही है, नई शुरुआत करी है अभी, चैनल की ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है, तो कर रहे हैं जो भी है यार, जैसा भी है अब मैनेज कर रहे हैं। अभी नए नए आए तो कैमरा से ही ब्लॉगिंग कर रहा हूँ अभी, तो पता नहीं है मेरा कितना कैमरा बोलूँ सॉरी फ़ोन से कितना, 2-1 साल पुराना फ़ोन है, 2-2.5-3 साल हो गए लगभग। तो वही है कि सब ठीक है। कैसे करता रजनीकांत, क्या ब्लॉगर बनेगा रे तू यूडी।